ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराए, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम, मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम, मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम, ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढके और आ जाए वापस। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी? यस मैम। कल का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, और जहां पर अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वह पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके रचयिता गोरक्षनाथ जी के अध्याय इसमें दो हैं। अध्याय को यहाँ पर शतक कहा गया है, मंत्र 201 हैं, योग यहाँ पर षडांग योग की चर्चा है, आसन 84 लाख यहाँ पे बताए गए हैं, उसमें से 84 फिर दो आसन यहाँ पे मुख्य बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन। चक्र की बात करें तो 6 चक्र यहाँ पे बताए गए हैं, नाड़ी यहाँ पर 72,000 उसमें से 10 मुख्य बताई गई है, प्राण 10 बताए गए हैं, कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं और ज्ञातव्य 29 यहाँ पर बताए गए हैं, ध्यान 2 प्रकार का सगुण और निर्गुण और मुद्राएं 5+2 और मुद्राओं का भी वर्णन है, मगर जो आपके एक श्लोक के माध्यम से जो गई है वह 5 मुद्राओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है और दूसरे अध्याय में 2 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। और भी है जैसे योनि मुद्रा का भी यहाँ पर वर्णन हुआ है, शक्ति चालनी मुद्रा का भी वर्णन हुआ है, मगर जो एक जो श्लोक में दी गई है वह 5 मुद्राएं ही दी गई है। यहाँ पर शतक फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया था, कल उसमें 100 मंत्र थे, इसमें ज्ञातव्य अभी हमने 29 पढ़े, योग सिद्धि में आवश्यक तत्व पढ़े थे, एक स्तंभ था उसमें आपके द्वार थे और पंच अधि देवता वहां पे बताए गए थे, चक्र 6 थे, कामपीठ की वहां पे चर्चा की थी, विश्वोत्परम ज्योति की वहां पे चर्चा की गई थी, जिसे यहाँ पर कुंडली को ही यहाँ पर विश्वमुख परम ज्योति कहा गया है, नाड़ियां 10, प्राण 10, मुद्राएं 5, अजपा गायत्री के बारे में हमने पढ़ा था, पथ्य और अपथ्य के बारे में पढ़ना था, कुंडली के 8 लपेटे पढ़े थे और नाड़ी शोधन और नाड़ी शोधन के फल के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड शतक करेंगे, इसमें मंत्र टोटल 101 मंत्र है, प्राणायाम के बारे में बताया गया है, प्राणायाम की विधि और फल के बारे में बताया गया है, योग सिद्धि के चिन्ह नाद के बारे में बताया गया है, षडांग योग का क्या फल होता है वह बताया गया है, फिर प्रत्याहार को बताया गया है, मुद्राएं यहाँ पे 2 बताई गई, विपरीत करनी मुद्रा और काकी मुद्रा के बारे में बताया गया है, विशुद्धि चक्र के बारे में बताया गया है, धारणाएं 5 प्रकार की बताई गई हैं, ध्यान 2 प्रकार के, समाधि और रसा स्वाद अनुभव बताए गए हैं, 6 प्रकार के यहाँ पे रसों का अनुभव होता है और ध्यान के 9 स्थान भी यहाँ पर बताए गए। तो यहाँ पे सेकंड शतक हम आज पढ़ेंगे और अगर फर्स्ट शतक में से आपको कुछ पूछना है अभी तो पूछ सकते हैं, मैं स्लाइड एक एक करके बता रही हूँ। आसन यहाँ पे 2 थे, सिद्धासन और कमलासन, फिर 29 ज्ञातव्य थे, इसमें से चक्र षोडशधर 2 लक्ष्य और आकाश यहाँ पर बताए गए थे, फिर योग सिद्धि आवश्यक तत्व बताए गए थे, इसमें 1 स्तंभ, स्तंभ को यहाँ मन बोला गया है, 9 द्वार और 5 अधिदेवता यहाँ पर बताए गए थे और मूलाधार उनके दल और उनका स्थान यहाँ पर बताया गया है चक्रों का। नेक्स्ट में काम रूपी पीठ बताया गया था, ये मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में बताया गया था,
विषमोत्मुख परम ज्योति बताई गई थी, ये मूलाधार जो हमारा आधार चक्र होता है उसके वहीं पर बताया गया उसकी कर्णिका में। और जो नाड़ियां हैं, नाड़ियां जो होती हैं वे मेढ्र और नाभि से नीचे बताई गई है जो कंध है, और कंध का जो आकार है पक्षी के अंडे की तरह है, और यहीं से 72,000 हमारी नाड़ियां निकलती हैं, उसमें से 10 मुख्य बताई गई हैं, फिर 10 प्राण बताए गए हैं, उनके स्थान में कार्य बताए गए हैं। फिर अजपा गायत्री के बारे में पढ़ा था, इसमें एक दिन में 21,600 बार हम श्वास लेते छोड़ते हैं, जब यही श्वास के माध्यम से दिन रात ह और सकार की जो ध्वनि है उसको अपने अंदर उसका हम जप कर लेते हैं, तो उसी को यहाँ पे अजपा गायत्री कहा जाता है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली यहाँ पर बताई गई है। फिर कुंडली, कुंडली के यहाँ 8 लपेटे बताए गए हैं यहाँ पे, और ये वहिनी योग के माध्यम से जागृत होती है, और यहाँ पर इस शक्ति चालनी मुद्रा से पसीना आता है तो उसे अंगों पर मलने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पर मिताहार की बात की गई है, और फिर यहाँ पे पंच मुद्राएं बताई गई थी, महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड़ियान बंध, जलंधर बंध और मूल बंध। फिर प्रवणाभ्यास के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे प्रणव में क्या क्या चीजें विद्यमान है, तो 3 काल है, 3 वेद है, 3 लोक है, 3 स्वर, 3 देवता यहाँ पर विद्यमान है, और शक्तियां 3 प्रकार की, ये शक्तियां और 3 प्रकार की ये शक्तियां भी यहाँ पर विद्यमान है। जो हमारा शरीर से प्राण निकलता है वह 36 अंगुल बाहर निकलने की यहाँ पे बात की गई है। फिर नाड़ी शोधन यहाँ पर बताया गया था, उसका फल के बारे में बताया गया है। तो आज हम सेकंड शतक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाड़ी शोधन हमने पहले शतक में पढ़ लिया है, सेकंड जो शतक है वहां पे प्राणायाम स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो प्राणायाम शरीर में स्थित, मेरी आवाज सभी को आ रही है ना, आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस मैम, ठीक। तो यहाँ पर प्राणायाम स्टार्ट हो जाता है, शरीर में स्थित प्राण व अपान वायु को निरोध से एक श्वास मात्र से सुषुम्ना मार्ग को खोलकर चिदा आकाश में उठाएं, रेचक पूरक कुंभक प्रवणात्मक है, और 12 मात्रा से युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का है, ऐसा बताया गया है। तो कल भी हमने पढ़ा था, जैसे जब हमारी कुंडली जागृत होती है उसी टाइम वही बात की कि शरीर में स्थिति प्राण, प्राण हमारा कहाँ होता है? हृदय में, और अपान वायु हमारे गुदा स्थान में होता है, अपान को हम ऊपर की ओर, प्राण में अपान वायु के निरोध से एक श्वास मात्र से सुषुम्ना मार्ग, सुषुम्ना का मार्ग कब खुलता है? जब हमारी समान वायु या उसमें अग्नि उत्पन्न होगी, समान वायु से अग्नि उत्पन्न होगी तो हमारा सुषुम्ना का मार्ग खुलता है। तो एक श्वास मात्र से जब सुषुम्ना में अग्नि प्रदीप्त होगी, उसके बाद जो सुषुम्ना मार्ग खोल कर चिदा आकाश में उठाएं, मतलब कि जो हमारी कुंडली है, कुंडली जब हमारी चिदा आकाश में जाती है तो उसको उठाने की यहाँ पर बात की गई है। फिर रेचक पूरक कुंभक प्रणवात्मक है, मतलब ओम के स्वरूप है, जो हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं और रोकते हैं, वह प्रणात्मक है, वह ओम के स्वरूप को यहाँ पर बताया गया है। 12 मात्रा से युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। जो हमारा प्राणायाम, यहाँ चिदाकाश का मतलब क्या है? चिदा आकाश आपके सहस्रार चक्र से भी ले सकते हैं, चिदा आकाश, आकाश मतलब आकाश का स्थान हमारा कहाँ होता है? हमारे शरीर में आकाश का स्थान कहाँ होता है? मस्तिष्क, और तो हमारी कुंडली कहाँ जाती है? सहस्रार चक्र में ही पहुंचती है ना, उसको उस स्थान को चिदाकाश बोला गया, आज्ञा चक्र से ऊपर चिदाकाश। और फिर नेक्स्ट है, प्राण और अपान को संयुक्त करके प्रणव की 12 मात्राओं से पूरक करना चाहिए, इससे सभी दोषों का शोधन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका लाभ भी बता दिया है कि जब 12 युक्त प्राणायाम को करेंगे, पूरक करेंगे, श्वास को भरेंगे तो सभी दोषों का शोधन हो जाता है। अब ये 12 मात्रा से स्टार्ट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो यहाँ का जो रेशो है, रेशो यहाँ पे 12 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ से 12 मात्रा से युक्त इसको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। फिर प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम 3 प्रकार के हैं यहाँ पर, अधम प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम और उत्तम प्राणायाम। तो इसके रेशो भी दिया गया है, अधम प्राणायाम का रेशो 12, फिर 16 और फिर 10। श्वास को लेना है 12 मात्रा में, फिर कुंभक करना है 16 मात्रा से, और फिर 10 मात्रा से रेचक, श्वास को बाहर निकालना है। तो ये अधम प्राणायाम का रेशो हो गया। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? पसीना आता है,
ठीक है, ये अधम प्राणायाम। नेक्स्ट है आपका मध्यम प्राणायाम। मध्यम प्राणायाम का जो रेशियो है वो 24, 32 और 20 है। श्वास को लेना है 24 मात्रा में, 32 मात्रा तक उसको रोकना है और 20 मात्रा तक उसको छोड़ देना है। तो जब हम मध्यम प्राणायाम करेंगे तो शरीर में कंपन होगा, शरीर में शिवरिंग होगी। फिर नेक्स्ट है उत्तम प्राणायाम। उत्तम प्राणायाम का जो रेशियो है वह 36, 48 और 30 है। तो इसमें क्या होगा, जब हम उत्तम प्राणायाम का इस मात्रा से हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी क्या होगी, ऊर्ध्व गति। हम जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठने लग जाते हैं तो उसको यहाँ पर ऊर्ध्व गति करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे बता रहे हैं जो अधम का दो गुना मध्यम है। तो अधम कितना है यहाँ पर आपका, 12, अधम 16, 10 है। तो इसका डबल हम कर देंगे, अधम का दुगुना कितना है मध्यम, तो 12 का डबल कितना हो जाएगा आपका 24, 16 का और 32 हो जाएगा और 10 का 20। तो जितना भी अधम प्राणायाम है उसका दो गुना, उसका डबल हमारा मध्यम प्राणायाम है। ठीक है, और अधम का तीन गुना उत्तम प्राणायाम है, और फिर अधम का ही तीन गुना। अब हम 12 को 3 से करेंगे तो तीन गुना ही हो जाएगा, 12 का तीन गुना आपका 36 हो जाएगा, 16 का 48 हो जाएगा और 10 का 30 हो जाएगा। तो अधम का तीन गुना प्राणायाम उत्तम प्राणायाम बताया गया है। ठीक है, याली स्लाइड ओके है सभी को, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके है, आगे बढ़े। यस मैम, जी मैम, यस मैम। फिर यहाँ पर प्राणायाम की विधि बताई गई है कि प्राणायाम की विधि कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे बद्ध पद्मासन करने के लिए कहा गया है। बद्ध पद्मासन सभी को पता ही है, पद्मासन लगा के अपने दोनों हैंड्स से अपने टोस को पकड़ने के लिए, क्रॉस करके टोस को पकड़ना होता है। गुरु और शिव को नमस्कार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। दृष्टि भूमते बोला गया है। अपान व प्राण को यहाँ पर मिलाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार कुंडली शक्ति को ऊपर उठाने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ये प्राणायाम में ही दिया गया है कि इस प्रकार हम कुंडली शक्ति को ऊपर उठाने से हमें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्राणायाम की विधि में ही ये दिया गया है। ठीक है, और फिर प्राणायाम को सही अभ्यास, हम प्राणायाम का सही अभ्यास करते हैं तो सभी रोग दूर हो जाते हैं। और प्राणायाम के गलत अभ्यास से रोग उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हिक्का, श्वास, काश, सिर, कान, नेत्रों में वेदना और आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वेदना मतलब हो जाएगा आपका दर्द, ठीक है, हिक्का हो जाएगा आपका हिचकी, श्वास, सांस का फूलना, काश, खांसी, सिर मतलब आपका हेडेक हो गया, और आपका कान, ईयर और आईज में दर्द होना शुरू हो जाता है प्राणायाम के गलत अभ्यास से। और सिंह, हाथी, बाघ आदि धीरे धीरे वश में होते हैं। जैसे सिंह, बाघ, हाथी होते हैं, ये एकदम से हम इनको वश में नहीं कर सकते, इनको धीरे धीरे ही वश में किया जा सकता है। वैसे ही प्राणायाम में भी धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाना चाहिए। एकदम से ही हम बहुत ज्यादा मात्रा तक होल्ड नहीं कर सकते, उस मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें धीरे धीरे ही उसका अभ्यास करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। एकदम से अभ्यास नहीं करना, धीरे धीरे हमें प्राणायाम की मात्राओं को बढ़ाना है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ऐसा वर्णन हमें कई टेक्स्टों में मिलता है, हट प्रदीपिका में मिलता है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें प्राणायाम के सही अभ्यास से सभी रोग दूर होते हैं, प्राणायाम के गलत अभ्यास से, ये लाइन हमें वहां पर भी मिलती है, शिव संहिता में भी मिलती है और हट प्रदीपिका में भी मिलती है। ठीक है, ओके है, yes. फिर यहाँ पर षडांग योग के फल के बारे में बताया गया, जो षडांग योग है उसका क्या क्या फल होता है। तो षडांग हमारा आसन से लेकर समाधि तक जो भी हमारे अंग होते हैं उन्हें हम षडांग योग कहते हैं। तो आसने रुज हंती, आसन से रोग समाप्त होते हैं, हंती मतलब समाप्त होते हैं, रुज मतलब जो रोग है, तो आसन से रोग समाप्त होते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम पातकम, प्राणायाम से पापों का विनाश होता है। तो ये इसका फल हो गया, आसन से रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से पापों का विनाश होता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार मानस विकार समाप्त होते हैं, प्रत्याहार से जो भी हमारे मानसिक मेंटल जो विकार होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं।
फिर धारणा, धारणा से मन धैर्यवान बनता है, धारणा भी मनोधैर्य मतलब कि मन धैर्यवान बनता है। ध्यान, ध्यान से चैतन्यता होती है, हम अपनी ओर जो हमारा हमारी आत्मा है, हम आत्मा अपने शरीर को जानने की हम कोशिश करते हैं या उस आत्मा को उस परमात्मा को जानने की हम कोशिश करते हैं ध्यान के माध्यम से, हमारे अंदर जो चैतन्य तत्व है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर है हमारा समाधि, समाधि में शुभ और अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, मतलब कि जो भी हमारे कर्माशय हैं, जैसे हम पतंजलि योग सूत्र में कर्माशय पढ़ते हैं तो वह कर्माशय यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, शुभ और अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, क्योंकि अगर शुभ कर्म होंगे तब भी हम समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो दोनों ही कर्मों को वहां पर समाप्त होना पड़ेगा तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये षडांग योग है और ये इनके फल है। ये आपके मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि आसन, आसन से क्या हो सकता है, प्रत्याहार से क्या हो सकता है और ध्यान से क्या हो सकता है, इस तरीके से आपको मैचिंग में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। और ऐसा ही वर्णन हमें योग चूड़ामणि में भी मिलता है, आगे आप योग चूड़ामणि पढ़ेंगे उसमें भी सेम टू सेम यही वाला आपका षडांग योग का वर्णन मिलता है। ये दोनों टेक्स्ट आपस में काफी मिलते हैं, गोरख संहिता और योग चूड़ामणि। ठीक है, ओके याली स्लाइड सभी को। जी मैम अभी ठीक है, अभी तो फास्ट नहीं हो रहा। नो मैम। अच्छा फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर मात्रा दी गई है, जो आपका यहाँ पर प्राणायाम शुरू हुआ है वो 12 मात्राओं से ही शुरू हुआ है, तो उसी के बारे में बताते हुए यहाँ पर कहा गया है प्राणायाम द्विषट्केन, षट मतलब होता है आपका 6, द्वि मतलब होता है दो, दो बार 6 करेंगे तो हो जाएगा टोटल 12, तो वहीं पे बताया गया प्राणायाम द्विषट्केन प्रत्याहार प्रकृतः, मतलब 12 प्राणायाम से, द्विषट्केन मतलब 6 को दो बार करेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 प्राणायाम से प्रत्याहार सिद्ध होता है। और 12 प्रत्याहार से, जब हमारा प्रत्याहार सिद्ध हो गया और उसी प्रकार 12 प्रत्याहार से धारणा की सिद्धि होती है, और फिर जब धारणा सिद्धि होगी तो 12 धारणाओं से ध्यान की सिद्धि होती है और 12 ध्यान से हमारी समाधि की सिद्धि यहाँ पर बताई गई है। प्रत्याहार भी षटकेन जायते धारणा शुभा, इसी से धारणा और फिर ध्यान और ध्यान से फिर समाधि, तो 12-12 का यहाँ पर यूनिट दिया गया है कि 12-12 से करने से ये होता है। और इसको हम टोटल करके देखेंगे, जैसे हमारा 12 प्राणायाम है, 12 प्राणायाम और 12 प्रत्याहार, मतलब कि 12 प्रत्याहार और प्राणायाम मिला के हो गया आपके 144 प्राणायाम। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 144 प्राणायाम से क्या सिद्ध होता है, तो वहां पर आपका आ जाएगा धारणा सिद्ध होती है। इसी तरह के से आपका जब ये हो जाएगा टोटल मिलाकर, मतलब कि हम धारणा तक पहुंचेंगे, 12 को हम 44 हो गया, 44 को 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1728 आपका। इतने प्राणायाम से आपके ध्यान की सिद्धि हो जाएगी और 20736 बार हम प्राणायाम करेंगे इसे समाधि की सिद्धि हो सकती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके ये सभी को। यस मैम। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में बताया गया और योग सिद्धि के चिन्ह भी बताए गए। तो जब ये प्राणायाम के यहीं पे इसका वर्णन मिलता है, इस प्रकार प्राण वायु के गगन में पहुंचने पर, गगन हो ये हो गया आपका आकाश में पहुंचने पर, या आपके आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र में पहुंचने पर, वायु के गगन में पहुंचने पर घंटा आदि वाद्यों की महाध्वनि नाद सुनाई देता है। जब हमारा प्राण सहस्रार या आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होता है, हमें महाध्वनियां सुनाई देने लग जाती है, नाद सुनाई देने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे घंटा घंटा नाद की बात की गई है। और टेक्स्ट में हमें अलग अलग वर्णन मिलता है, कहीं पे मेघ गर्जना की हमें बात मिलती है, कहीं पे भेड़ी की बात मिलती है, ढोल की बात मिलती है, यहाँ पर घंटे की बात की गई है कि यहाँ पर घंटा नाद सुनाई देने लग जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर है प्रत्याहार। तो यहाँ पे प्रत्याहार, चक्षु आदि पंच ज्ञानेन्द्रिय, हमारी जो भी पंच ज्ञानेन्द्रियां होती हैं उनके लिए यहाँ पे बताए गए। पंच ज्ञानेन्द्रिय बताए कौन कौन सी होती हैं,
पंच ज्ञानेन्द्रिया, सेंस ऑर्गन, आँख नाक कान, त्वचा। ठीक है, अब इनके विषय क्या होते हैं? विषय आप जानते हैं हम लोग? रूप रस गंध स्पर्श। रूप रस गंध स्पर्श, वेरी गुड। तो इसमें चक्षु, चक्षु क्या है? ज्ञानेन्द्रिय है, मतलब कि आपका नेत्र, आंखें। चक्षु आदि पंच ज्ञानेन्द्रियों के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांच विषय हैं। रूप किसका विषय है? नेत्र, नेत्र का। और रस किसका है? जीभ का। मैं जीभ। गंध किसका है? नाक का। नाक का। स्पर्श किसका है? त्वचा। त्वचा का। और शब्द किसका है? कान का। कान का। तो यह पांच विषय यहाँ पर बताए गए हैं। इन इंद्रियों द्वारा उनके विषयों का अनुभव करके उन उन इंद्रियों को अपने अपने विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द से पृथक कर लेना ही प्रत्यायार है। जैसे हम आंखों के द्वारा बाहर की वस्तु देख रहे हैं और उसके तरफ क्या हो जाते हैं? हम आसक्त हो जाते हैं। कोई भी चीज हम बाहर के देख रहे हैं तो उसकी तरफ क्या हो जाते हैं? हम आसक्त, हमारा मन उधर की ओर दौड़ने लग जाता है और फिर हम बाह्य विषयों में उलझ जाते हैं। तो उसी को बोला, पहले बाह्य विषयों की तरफ देखना है और फिर उसको अपने अंदर, मतलब कि इंद्रियों का निग्रह करना ही यहाँ पे प्रत्याहार बताया गया है। मगर यहाँ पर उनके इंद्रियों के विषय भी बताए गए हैं, उन विभिन्न विषयों से अपने आप को हटा लेना है। तो जैसे हम कोई चीज देखें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उस तरीके से बताया है। कान, कान से हम कुछ सुनते हैं तो उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। त्वचा में कोई चीज लग जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इन चीजों को बताया गया, जो हमारी ये इंद्रियां हैं इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो उसी को यहाँ पर प्रत्याहार कहा गया है। पृथक कर लेना ही प्रत्याहार है। ठीक है, तो इन इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव कर इन इन इंद्रियों को अपने अपने विषय से पृथक कर लेना, मतलब कि सारी चीजों को हटा देना, यही यहाँ पर प्रत्याहार है। फिर यहाँ पर जैसे दिन के तीसरे काल में सूर्य अपनी प्रभाव को समेट लेता है, वैसे ही योगी भी योग के तीसरे अंग से मन के विकारों को हरण कर लेते हैं। षडांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? प्रत्याहार। प्रत्याहार। तो यहाँ पर प्रत्याहार की बात की गई है। जैसे जो आपका ये सूर्य है, सूर्य जब शाम का समय होता है तो सूर्य क्या होता है? छिपने लग जाता है ना। तो उसी तरह जो दिन के तीसरे काल में, ये शाम के समय की बात हो रही है, इवनिंग टाइम की, तो दिन के तीसरे काल में सूर्य अपनी प्रभा को समेट लेता है। सूर्य मतलब अपनी जो रोशनी है उसको समेट लेता है, या अपनी किरणों को समेट लेता है। वैसे ही योगी भी योग के तीसरे अंग में मन के विकारों को हरण कर लेता है। मतलब कि जो प्रत्याहार की अभी बात है, वह इंद्रियों को अपने मतलब कि इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं, आपके मन के विकारों का हरण कर लेता है, उसी को यहाँ पर प्रत्याहार कहा गया है। तो यह प्रत्याहार का जो उदाहरण दिया गया है, एक तो सूर्य से दिया गया है और नेक्स्ट आगे हम कछुए से भी इसको समझेंगे। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को अंतर्मुखी, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देता है, वैसे ही हम प्रत्याहार में अपने जो हमारी इंद्रियों को है उनको अंतर्मुखी कर लेते हैं। कछुए का वर्णन और कहाँ आता है हमारे, किस टेक्स्ट में आता है? भगवद्गीता। भगवद्गीता में कहाँ पर आता है? स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा की जो स्थिति है उसमें भी कछुए का उदाहरण वहां पे दिया गया है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर की ओर कर लेता है, वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेना होता है। ठीक है, फिर है हट योग से प्रत्याहार। तो अभी ये तो इन चीजों से प्रत्याहार बताया था, अब नेक्स्ट हट योगी की जो हमारी परिप्रेक्ष्य है उससे प्रत्याहार क्या है उसके बारे में बताया गया है। चंद्रमा की अमृतमयी धारा को सूर्य ग्रस्ता है। अमृतमयी धारा कहाँ होती है? आज्ञा चक्र, या हमारा सोम मंडल जिसे बोला जाता है, वहां पर होती है। ठीक है, और उसे सूर्य ग्रस्त है। सूर्य कहाँ पर ग्रस्त है? नाभि में। नाभि में, हाँ, सूर्य मंडल भी बोला जाता है, वहां पर ग्रस्त है। तो उसे सूर्य से हटाकर स्वयं ग्रस्त ले वह प्रत्याहार कहलाता है। मतलब कि जो हमारा सोम रस का स्राव है उसको स्वयं ही ग्रहण कर लेना, उसको नीचे नहीं जाने देना। सूर्य ग्रस्त है तो सूर्य से हटाकर स्वयं ही ग्रस लेना, उस अमृत स्राव को स्वयं ही ग्रस लेना, यहाँ पर प्रत्याहार बताया गया है। ठीक है, आगे टेक्निक भी बताइए कि किस टेक्निक से हम इसको कर सकते हैं। तो ये बताइए, पहले ये स्लाइड ओके है सभी को?
कुछ पूछना है स्लाइड में से? नो मैम। नेक्स्ट है विपरीत करनी मुद्रा। अभी आगे हमने ये पढ़ा था हठयोग के से प्रत्याहार, उसी को आगे बताया गया है विपरीत करनी मुद्रा द्वारा। तो अग्नि रूपी सूर्य कहाँ होता है? हमारा नाभि में होता है अग्नि रूपी सूर्य। और अमृत रूपी चंद्रमा तालु के मूल में बताया गया, तालु मूल को नीचे करने से यहाँ पर होता है ना अमृत रूपी चंद्रमा, सूर्य को ऊपर की ओर और तालु मूल को नीचे करना ही विपरीत करनी मुद्रा कहलाती है। और इसी का प्रत्याहार भी हम कह सकते हैं, ये इसकी टेक्निक हो सकती है एक हमारे जो श्रोम श्राव है उसको बनाने बचाने की, अमृत रूपी अमृत को बचाने के लिए। तो ये हठयोगी एक हमारी टेक्निक हो गई है हमारे अमृत श्राव को बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपकी काकी मुद्रा। तो काकी मुद्रा मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाकर, इस तरीके से आपको मुंह बनाना है, यहाँ पर कौवे के समान चोंच बनाकर शीतल वायु का पान करना है, ठीक है। और फिर क्या होता है इसका फल बताया गया, काकी मुद्रा का फल क्या है? जरा बुढ़ापा नहीं आता है और 6 मास के अभ्यास से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके यहाँ पे 2 फल बताए गए, एक तो बुढ़ापा नहीं आता काकी मुद्रा से और 6 मास के अभ्यास से ही सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विपरीत करनी मुद्रा और काकी मुद्रा, 2 मुद्राएं बताई गई है सेकंड शतक में। तो ये दोनों मुद्राएं ये है। फिर यहाँ पर विशुद्धि चक्र का वर्णन किया गया है। कोई कुछ पूछना था? भरती गंगो का एक मैम, काकी मुद्रा जो शीतली प्राणायाम में कहा है हिप को फोल्ड करना है, और इधर बताया है मुंह को ऐसे इसमें खाली मुंह को गोल बनाना है, इसमें जीभ का कोई रोल नहीं है। आपके लिए कुछ मुंह को गोल, जैसे कौवा होता है कौवे की चोंच होती है ना, उसमें जीभ वगैरह का तो कोई नहीं है, उसी तरह होता है, ठीक है। काकी काकी मतलब होता है कौवा ही होता है। ओके मैम। क्योंकि हम जब मुंह से जब कोई भी हम वायु लेते हैं वो शीतल, नाक से हम जब वायु लेते हैं तो वो गर्म होती है, और जब हम मुंह से कोई भी वायु लेते हैं तो वो शीतल ही होती है। जैसे हम शीतली प्राणायाम करते हैं शीतकारी करते हैं, इसमें जो भी वायु जाती है वह ठंडी वायु हमारे अंदर शीतल वायु जाती है, इसलिए ये भी काकी मुद्रा भी बनाएंगे तो इसमें भी जो वायु हम ले जाएंगे तो वो भी शीतल वायु ही होगी, है ना। ओके है मैम। कोई कुछ पूछ रहा था? मैम यस मैम, ये मैम जैसे आप बोल रहे हैं अमृत का स्राव को रोकने है, मतलब नाभि तक ना जा पाए, नष्ट ना हो पाए, तो अमृत का स्राव दिन भर होगा या उसका समय मतलब बताया है? नहीं नहीं, टाइम पीरियड ऐसा कोई नहीं होता। जैसे हम खेचरी मुद्रा करते हैं, खेचरी मुद्रा जब हम उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तभी हो सकता है ना, उसी तरह यहाँ पर विपरीत करनी मुद्रा के द्वारा बताया गया है। जैसे और टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है कि क्षण क्षण आपको बढ़ाना है, इसमें तो टाइम पीरियड कोई नहीं दिया गया है, इसमें बताया गया है क्षण क्षण धीरे धीरे इस विपरीत करनी मुद्रा को करना चाहिए और 6 मास तक करना चाहिए, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैं और टेक्स्ट की आपको बात बता रही हूँ, तो वहां पर 6 मास दिया गया है, ठीक है, विपरीत करनी मुद्रा के लिए। और कहीं पे और धीरे धीरे मतलब कि क्षण क्षण एक एक सेकेंड को बढ़ा बढ़ा के इस तरीके से करने के लिए कहा गया। ओके है। फिर है विशुद्धि चक्र। चंद्रकला में अमृत का ध्यान, यहाँ पर ये वाला जो हमारा अमृत जो स्राव होता है इसको रोकने के लिए बहुत सारी टेक्निक बताई गई हैं। वैसे में चंद्रकला में अमृत का जो ध्यान, अमृत का जो ध्यान है यहाँ पे जो विशुद्धि है, विशुद्धि 2 शब्द से मिलकर बना है, वी जमा शुद्धि, ठीक है। तो वी शब्द का मतलब हंस से होता है, हंस मतलब क्या होता है, हमारा ये जो शरीर है इसको हंस भी कहा गया है, कहीं कहीं जगह पे इसको हंस भी कहा गया है, ठीक है। तो वी शब्द का मतलब हो गया इस शरीर से, और शुद्ध निर्मल का बोध होता है, मतलब कि जब हमारा जो ये शरीर है वह निर्मल हो जाता है, वही विशुद्धि चक्र यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। या हमारा जो अमृत जो स्थान है वो भी कहाँ होता है, हमारा विशुद्धि चक्र के पास ही होता है, तो उससे भी हम ले सकते हैं। अगर जब हम उस कम अमृत को जब हम उसका पान करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, वी मतलब हंस और शुद्ध मतलब निर्मल, जब ये हंस निर्मल हो जाता है, ये शरीर हमारा निर्मल हो जाता है।
विशुद्धि चक्र को योग वेता भली भांति जानता है। तो हमारे जो भी हठ योगिक नहीं योग उपनिषद है उसमें योग वेता वेद वेता ऐसे काफी डेफिनेशन आई है। तो यहाँ पर जो विशुद्धि चक्र को जान जाता है वो योग वेता भली प्रकार से जानता है, जो योग वेता है जो योग को जानता है वह यहाँ पर बताया गया है। फिर चंदा अमृत पान का फल यहाँ पर बताया गया है, जो हमारा सोमरस का जो स्राव है उसको हम पी लेते हैं उसके बारे में बताया। जीव की ऊर्ध्व स्थिति विपरीत करने की तरह, जैसे ऊर्ध्व जीव की जो है ऊर्ध्व गति हो रही है विपरीत करने की तरह करके अमृत पान करने वाला योगा अभ्यास, यहाँ पे टाइम पीरियड अब आ गया है 15 दिन में ही मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है। ठीक है, जब जीव ऊर्ध्व गति करता है और इस अमृत पान करने वाला योगाभ्यासी 15 दिन में ही अमृत को जीतने वाला हो जाता है। आपका टाइम पीरियड भी आ गया 15 दिन। ठीक है, ओके स्लाइड। नेक्स्ट यहाँ पर मूल बंद की भी टेक्निक बताई गई है मगर यहाँ पर उसका नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, जो योगी मूलाधार को रोकने में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो टेक्निक तो मूल बंद की है, तो जो योगी मूलाधार को रोकने में सफलता प्राप्त कर लेता है वह पंचमुख शिव के समान हो जाता है। इसका फल बताया गया है, जो मूल बंद लगा लेता है मीन्स वह पंचमुख शिव के समान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस टेक्निक के द्वारा पंचमुख शिव के समान हो जाता है योगी, तो मूलाधार को रोकने से। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी पूछी गई है, कौन कवि हो जाता है, तो जो योगी राज दंत के रंध्र को जिह्वा के अग्रभाग से पीड़ित करता हुआ अमृतमयी वाणी को 6 महीने तक ध्यान करता हुआ वह कवि हो जाता है। तो मतलब कि जो योगी राजदंत जो होता है आपके मुंह से लिया जाता है और या जो आपका घटिका वाला जो क्षेत्र होता है उसको कहा जा सकता है। तो जो योगी राजदंत के रंध, राजदंत का आपका रंध हो गया, ये वाला रंध हो गया मतलब कि छेद को रंध्र बोला जाता है। उस रंध्र को जिह्वा के अग्रभाग से, मतलब कि जो ये हमारा रंध्र जा रहा है इसको अग्रभाग से, जिह्वा का जो अग्रभाग है आगे का जो भाग है उसको पीड़ित करता हुआ अमृतमय वाणी का जो 6 महीने तक ध्यान करता है वह कवि हो जाता है। तो खेचरी की तरह इसकी टेक्निक यहाँ पर बताई गई है। फिर इसके बाद इसमें रसा स्वाद अनुभव होते हैं। जिह्वा को कपाल कुहर से लगाने से योगी को क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु और धृत जैसे 6 स्वादों का अनुभव होने लग जाता है। जब आपकी जिह्वा कपाल कुहर में लग जाती है तो आपके 6 रसों का अनुभव होता है, क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु और धृत। ठीक है, मधु हो गया आपका शहद, अम्ल हो गया खट्टा, कटु कड़वा, धृत मतलब आपका घी हो गया। तो इन सब स्वादों का अनुभव होने आपको लग जाता है। फिर इसका आगे फल भी बताया गया है, जब आपको ये 6 स्वादों का अनुभव होने लग जाता है तो रोगों का हरण हो जाता है और वृद्धावस्था का अंत हो जाता है, वृद्धावस्था नहीं आती है और आपके शरीर के जितने भी रोग हैं वह भी हट जाते हैं। फिर बिना अध्ययन किए ही शास्त्रों और उनके अंगों की व्याख्या करने में सामर्थ्य आ जाती है, मतलब बिना शास्त्र पढ़े ही आपको उसका ज्ञान हो जाएगा और आप उसके अंगों की व्याख्या भी कर सकेंगे, सब चीज का सामर्थ्य आ जाएगा, आप उसको बताने में भी समर्थ होंगे उन अंगों को। फिर है अमृत तत्व और अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति होगी, तो अमृत तत्व तो वही हो गया हमारा जो अमृत स्राव की बात यहाँ पर होती है और अष्ट सिद्धियां हमारी हो जाएंगी। अष्ट सिद्धियों के नाम बताएं कोई भी, तो ये हमारी अष्ट सिद्धियां हैं। तो ये दोनों चीज हो जाए, अमृत तत्व की प्राप्ति भी होगी और हमें अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी और सिद्धों की स्त्रियों को आकर्षण की प्राप्ति होगी, मतलब कि जो आप योगी हैं और आपसे क्या होंगी जो स्त्रियां हैं वे आकर्षित होना स्टार्ट हो जाती हैं जब इस तरीके के आप टेक्निक से आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें ये बताया गया आपके और सिद्धों की स्त्रियों की आकर्षण की प्राप्ति होती है, मतलब स्त्रियां आपकी ओर आकर्षित होने लग जाती हैं। फिर 2 से 3 वर्ष के अभ्यास से ही बिंदु ऊपर की ओर चढ़ जाता है,
यहाँ पर बिंदु की बात की है, बिंदु अमृत स्राव जहाँ से टपकता है उसको भी कहा जाता है, उस वह जो बिंदु है वह ऊपर की ओर चढ़ जाता है 2 और 3 वर्षों के अभ्यास से ही, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके है स्लाइड? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे धारणाएं बताई गई हैं। तो आसन प्राणायाम और प्रत्याहार के अभ्यास से धोने पर धारणा का अभ्यास करना चाहिए। जब हमारे 3 जो अंग हैं उनका अभ्यास सिद्ध हो जाता है उसके बाद ही हमें धारणा का अभ्यास करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना है, ऐसा बताया गया है। हृदय में मन की निश्चलता के साथ, मतलब कि जो हमारा मन है वह निश्चलता, कोई भी स्थिरता उसमें होनी चाहिए, निश्चलता नहीं होनी चाहिए, इधर उधर विकार नहीं होने चाहिए। तो मन हृदय में मन की निश्चलता के साथ पंचभूत हो गए हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचभूतों को पृथक पृथक धारणा करना ही धारणा कही जाती है, इनकी अलग अलग धारणा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो 5 भूत हो गए आपके, वर्ण मतलब हो गया कलर कौन सा है, देवता बताए गए हैं यहाँ पर, चक्र बताए गए हैं, आकार इनका बताया गया है, और बीज मंत्र इसके बताए गए हैं, समय बताया गया है, और गुण भी बताया गया है, और इसके फल भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पंचभूत है, पंचभूत में पृथ्वी की धारणा करने के लिए कहा गया है, और कहाँ पर करने के लिए कहा गया, मूलाधार चक्र पर, ठीक है। तो मूलाधार चक्र पर पृथ्वी की धारणा करनी है। हरतल पीले रंग का ध्यान करने के लिए, हरतल मतलब होता है आपका पीला, पीले रंग का ध्यान करना है। वहां पर जो देवता है, देवता किस देवता का ध्यान करना है, ब्रह्म देव का ध्यान करना है, ब्रह्म देवता का ध्यान करना है वहां पर। और आकार कौन सा होना चाहिए, चतुष्कोणाकार, चतुष मतलब जिसके 4 कोने हों, चतुष या स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, चतुष्कोणाकार होना चाहिए। बीज मंत्र लम होना चाहिए, और जो समय है 5 घटी होना चाहिए। एक घटी में कितने मिनट होते हैं, 24 मिनट, तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 2 घंटे, 120 मिनट हो जाएंगे, 2 घंटे, 2 घंटे का आपका समय हो जाएगा यहाँ पर। और जो इसका जो गुण है वो स्तंभन है, मतलब कि बांधने का गुण, स्तंभन किसी चीज को बांधने का, जैसे खंबा बहुत कठोर होता है उस तरीके का स्तंभ से भी लिया सकता है, स्तंभन जो बांधने का गुण जो है वह पृथ्वी का है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इसका फल बताया गया है, भूत सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मतलब पृथ्वी जो भूत है उसकी सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, पृथ्वी तत्व को जीत जाता है, मतलब जो हमारा पृथ्वी तत्व है वह उसको जीत लेता है। फिर है जल, जल में जो उसका वर्ण है वह शुभ्र वर्ण है, इसके देवता विष्णु है। चक्र है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र में जल का, जल भूत का ध्यान करना है, शुभ्र सफेद वहां पर वर्ण का ध्यान करना है, और जो उसके देवता होंगे वह विष्णु होंगे। वहां पर अर्ध चंद्राकार, जो हमारा आधा चंद्रमा होता है उसके तरह ही आकार का ध्यान करने के लिए कहा गया है। वम बीज मंत्र का ध्यान करने के लिए कहा, धारणा करने के लिए कहा गया है। 5 घटी तक ध्यान करना है, 2 घंटे तक उसका ध्यान करना है। और जो इसका ग्रोण है वह द्रावणी है, द्रावणी मतलब हो गया द्रव वाला, जैसे द्रव जो भी है जल इधर उधर चले जाता है वैसे ही पिघलने वाला, जो द्रावणी कहीं भी चले जाने वाला, तो वो हो जाएगा इसका गुण द्रावणी। और इसका फल क्या होगा, वारुणी सिद्धि, वारुणी मतलब ही जल होता है, जल की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, जल का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, जल हमें डुबा नहीं सकता है, ऐसी सिद्धि हमें आ जाती है। और कालकुट विष भी भस्म हो जाता है, कालकुट विष कौन सा होता है, कालकुट विष जो समुद्र मंथन के समय जो भी विष निकला था जो भगवान शंकर ने पिया था उसको कालकुट बोलते हैं, तो कालकुट विष भी भस्म हो जाता है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अग्निभूत, तो अग्निभूत कहाँ पर, इसका जो चक्र है वो मणिपुर चक्र पर ध्यान करना है, मणिपुर चक्र में अग्नि का ध्यान करना है। वर्ण इसका लाल होना चाहिए, देवता इसके रुद्र है, और ये आकार त्रिकोणाकार यहाँ पर बताया गया है। बीज मंत्र रम है, और जो इसका समय है 5 घटी बताया गया है, और जो इसका गुण है दाहिनी यहाँ पर बताया गया है, दाहिनी मतलब जलाने वाला। वैश्वानर धारण सिद्धि हो जाती है, मतलब वैश्वानर अग्नि को भी कहा गया है,
तो अग्नि की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है और सूर्य के समान हम तेजस्वी हो जाते हैं। तो इसके दो फल बताए हैं, वैश्वानर धारण धारण सिद्धि और सूर्य के समान तेजस्वी हम हो जाते हैं। नेक्स्ट है वायु। वायु में सुरमय जैसा रंग, ग्रे कलर जिसे हम बोल सकते हैं, सुरमय जैसा रंग हो जाता है और देवता इसके ईश्वर हैं और इसका चक्र जो है अनाहत, अनाहत चक्र पे हमें वायु का ध्यान करना है, सुरमय जैसे रंग का ध्यान करना है, ईश्वर वहां पे देवता है, वृत्ताकार गोलाकार का ध्यान करना है। यहाँ पर बीज मंत्र इसका यम है, पांच घटी तक करना है। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी मतलब जहां जो कहीं भी भ्रमण कर सके, कहीं भी जा सके, वह वायु होती है, तो इसका गुण ब्राह्मणी है। और जिसका फल है वायवी धारणा को सिद्ध होता है, वायवी मतलब होता है आपका वायु ही होता है, तो वायु धारणा सिद्धि होती है और आकाश गमन की सिद्धि होती है। आकाश गमन मतलब आप आकाश में जा सकते हैं कभी भी, तो ये आकाश गमन की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका आकाश, ये है इसका वर्ण जल के समान है, देवता सदाशिव है। और विशुद्धि, विशुद्धि चक्र पर ध्यान करना है, आकाश का ध्यान करना है, जल के समान कलर का ध्यान करना है, सदाशिव यहाँ पर देवता है, आकार वृत्ताकार, यहाँ पर वायु में भी और आकाश में भी दोनों में ही वृत्ताकार मतलब गोलाकार आकार का ध्यान करने के लिए कहा गया है। बीज मंत्र हम है यहाँ पर, समय इसका पांच घटी है, गुण इसका शोषणी, शोषणी मतलब सुखाने वाला शोषणी है, और इससे क्या हो जाता है लास्ट वाला मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं, मतलब उसके दरवाजे खुल जाते हैं मोक्ष के, आकाश धारणा पर धारणा करने पर। तो ये आपकी धारणा है, धारणा में किसी को भी कोई डाउट नहीं। ब्राह्मणी का, ब्राह्मणी भ्रमण करने वाले, कहीं भी वायु होती है जैसे कहीं भी जा सकती है ना, भ्रमण घूमना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है पंचभूत, पंचभूत से आपके गुण का मिलान आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, फिर या चक्रों से, चक्रों से आपका भूत का मिलान आ सकता है, इस तरीके से पंचभूतों का ये आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। ओके है मैम, यहाँ पे स्तंभन का मतलब क्या होगा? पृथ्वी का गुण, जैसे पृथ्वी का गुण क्या होता है, बांधना, मिट्टी का गुण क्या होता है, बांधना ना, उससे ले सकते हैं। स्तंभ जैसे खंबा होता है, खंबा क्या होता है, ठोस होता है, कठोर होता है ना, उससे इसको याद कर सकते हैं। ओके है जी मैम। फिर यहाँ पर ध्यान की बात की गई है, अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही यहाँ पर ध्यान बताया गया है, जो अपने अपने चित्त में, अपने ही चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही यहाँ पर ध्यान है। फिर यहाँ पे ध्यान के दो प्रकार बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण। कला में सगुण ब्रह्म का ध्यान, मतलब जो भी हम किसी मूर्ति या किसी भी चीज को लेकर हम ध्यान करते हैं वह सगुण ध्यान में आ जाता है। और निर्गुण, कला रहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, मतलब कि जो निराकार रूप का हम ध्यान करते हैं वह निर्गुण ध्यान हो जाएगा, और जिसमें हम किसी चीज को साकार रूप में हम ध्यान कर रहे हैं, किसी मूर्ति वगैरह की हम पूजा कर रहे हैं, तो वो आपका सगुण ध्यान हो जाएगा। ये तो दो प्रकार के ध्यान हो गए आपके। ओके स्लाइड। स्टॉप करें अभी, दो तीन स्लाइड हैं, कल करना चाहेंगे, आज ही करा दे, आज ही करा दीजिए मैम। तो यहाँ पे षट चक्रों का ध्यान व उसका फल बताया गया है। तो यहाँ पर आसन है, यहाँ पे सुखासन लगा के षट चक्रों का ध्यान करने के लिए बोला गया है। और नासिका के अग्र भाग में दृष्टि करके कुंडली सहित ध्यान लगाने को कहा गया है। तो यहाँ पर षट चक्रों पे ध्यान, अभी तो पहले हमने जो पढ़ी थी वे धारणा थी, धारणा के बाद अब ध्यान, ध्यान के लिए भी स्थान बताया गया और उनका फल भी बताया गया है। सुखासन लगाना है, इसका जो आसन है वह सुखासन है, और नासिका के अग्र भाग में देखने के लिए कहा है, करके कुंडली सहित ध्यान लगाना है, कुंडली पर भी ध्यान लगाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा चक्र मूलाधार चक्र है, इसमें दल यहाँ पे चार बताए गए। स्वर्ण आभा, सोने की तरह जिसकी आभा हो, ऐसे रंग का ध्यान करने के लिए कहा गया है। इससे क्या होता है, इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं मूलाधार पे ध्यान करने से,
नेक्स्ट है आपका स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान में 6 दल होते हैं। यहाँ पर मणिक्य के समान लाल, मणिक्य एक रत्न होता है, वहां पे इस तरीके का जो कलर होता है उसको बोला गया है मणिक्य के समान लाल कलर का योगी सुखी और परमानंद की प्राप्ति कर लेता है जब वह स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान को लगाता है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर में दल बताए गए हैं 10। ये तरुण सूर्य के समान, तरुण मतलब जैसे ही सूर्य उगता है, सनराइज होता है उस समय के लिए बोला गया है तरुण सूर्य के समान, जो उस समय सूर्य का कलर होता है उसी कलर का रंग का ध्यान करने के लिए कहा गया है। जगत को शुभित करने में समर्थ हो जाता है, जगत को शुभित मतलब आकर्षित करने में समर्थ प्राप्त कर लेता है, जगत को जो भी संसार है वो है योगी की तरफ आकर्षित होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनाहत। अनाहत में 12 दल होते हैं। प्रचंड सूर्य के समान, जैसे दिन में बहुत तेज धूप होती है उस तरह के रंग का ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो अनाहत चक्र पे ध्यान करने से योगी ब्रह्ममयी हो जाता है, ब्रह्मा के समान हो जाता है। नेक्स्ट है विशुद्धि। विशुद्धि में 16 दल होते हैं। ये दीप ज्योति के समान प्रभा, जो हमारी दीप की ज्योति है, इस तरीके का कलर का ध्यान करने के लिए बोला गया है। और इसके ध्यान से क्या होता है, आनंदमय प्राप्त होता है, आनंदित हो जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य। भूमध्य मतलब कि आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से यहाँ पे 2 दल बताए गए हैं। मणि की शिखा, जो भी हमारी जैसे मणियां होती हैं उनकी शिखा पर जो रोशनी होती है उस रोशनी की यहाँ पर बात की है, उस रोशनी के कलर का ध्यान करने के लिए बोला गया है। और इसका ध्यान का फल क्या होता है, जीवात्मा और वह परमात्मा की एक रूपता हो जाती है भूमध्य पर ध्यान करने से। तो ये स्लाइड ओके है इसमें। फिर आगे ध्यान के लिए बताया गया, ध्यान से कैवल्य मोक्ष। तो आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये लाइन भी बताई गई है कि आज्ञा चक्र में हम शिव का ध्यान करते हैं तो वहां पे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पे ध्यान के 9 स्थान भी बताए गए हैं, जैसे गुदा, पहले तो 2 प्रकार का बताया था और उसके अलावा ध्यान के 9 स्थान यहाँ पर बताए गए हैं, गुदा, मेड्र, नाभि, हृदय, विशुद्धि, घटिका, लंबिका, भूमध्य और नभोविंद। तो गुदा हो गया आपका एनस वाला भाग, मेड्र हो गया स्वादिष्ठान, ये मूलाधार स्वादिष्ठान, नाभि मणिपुर से हम ले सकते हैं, हृदय अनाहद हो गया, फिर विशुद्धि हो गया। विशुद्धि के बाद यहाँ पर हमारा सीधा आज्ञा आ जाता है। तो आज्ञा से पहले 2 चीजें हैं, एक तो है घटिका, घटिका कल मैंने बताया था, और लंबिका। लंबिका मतलब आपकी होगी जीभ, जीभ या टंग, टंग को यहाँ पर लंबिका बोला गया है। भूमध्य आज्ञा चक्र हो गया, नभोविल सहस्रार चक्र से हम ले सकते हैं, शून्य का जो स्थान है उसको यहाँ पर नभोविल बोला गया है। ठीक है, ये ध्यान के 9 स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। चक्र हमारे 7 होते हैं, 2 चीजें यहाँ पर ऐड है, उसमें एक घटिका है और एक लंबिका है, तो इसको ध्यान में रखें। घटिका का स्थान बताना मैम क्या है, घटिका घटिका हमने पढ़ा था ना, ये वाली जो चीज है इसको हम घटिका बोल सकते हैं, घटिका का स्थान। ठीक है, हाँ जी ठीक है। और 9 स्थानों पर ध्यान का फल, जब हम इन 9 स्थानों पर ध्यान करते हैं तो उसका फल अष्ट सिद्धियां मिलती है। अष्ट सिद्धियां हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, तो ये वाली होगी आपके इसका फल। और योग की श्रेष्ठता भी बताई गई है, ऐसा ही हमें जो श्रेष्ठता हमें योग उपनिषदों में भी मिलती है, जैसे हमारा ध्यान बिंदु जो उपनिषद है उसमें भी मिलती है। इसी तरीके से सहस्त्रो अश्वमेघ और सहस्त्रो वाजपेय यज्ञ, पहले यज्ञ इस तरीके से यज्ञ होते थे, तो सहस्त्र मतलब हजारों, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल भी अकेले ध्यान योग के 16वें अंश के समान नहीं हो सकता है। मतलब ध्यान जब हम करते हैं उसके फल के बारे में बताया गया है, जैसे अश्वमेघ और वाजपेयी जो यज्ञ होते थे इनका फल बहुत ज्यादा गुना मिलता था, तो इनके फल से भी ज्यादा क्या फल मिलता है, ध्यान योग का फल मिलता है, इसके बारे में ये बताया गया। 16वें अंश के समान भी नहीं है, तो इसकी मतलब की विशेषता बताई गई है, जो हमारे अश्वमेघ यज्ञ है या वाजपेयी जो यज्ञ है इनसे भी ज्यादा फल हमें मिलता है ध्यान योग से। ठीक है, फिर यहाँ पर समाधि का वर्णन किया गया है। समाधि को 2 शब्दों से यहाँ
बताया गया, एक तो उपाधि और एक तत्व बोला गया। उपाधि मतलब यहाँ पर उपाधि को वर्ण कहते हैं और तत्व को आत्मा कहते हैं, यहाँ पर बताया गया। उपाधि, उपाधि क्या करती है, विपरीत का बोध कराती है। और जब बुद्धि से यथार्थ ज्ञान होता है तभी आत्मा का अनुभव होता है। यह सभी उपाधि नाशवान है परंतु सतत अभ्यास से इनका नष्ट होना संभव है। तो मतलब कि उपाधि यहाँ पर हम ले सकते हैं जो ये हमारा शरीर है, शरीर और हमारे अंदर जो आत्मा है। आत्मा क्या है बताएं कोई भी, आत्मा क्या है, उसका विशेषता है आत्मा की अजर है, अमर है, नित्य है ना। तो ये चीज तो हमें जब हमें ज्ञान नहीं होता तो यह चीज हमें पता नहीं होती है। तो ये क्या होता है, विपरीत का बोध कराते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वही सब है, ठीक है ना। उपाधि विपरीत का बोध कराती है, जो ये हमारा शरीर है, जब हम इस भौतिक संसार में होते हैं तो हमें लगता है ये हमारा शरीर ही सब कुछ है, तो ये हमें विपरीत का बोध कराती है। जब बुद्धि से यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है हमारे शरीर में जो आत्मा है वह नित्य है, अजर है, अमर है, इस तरीके का जो हमें यथार्थ ज्ञान जो हो जाता है तभी आत्मा का अनुभव होता है, उस तरीके से हमें अनुभव होता है। और यह सभी उपाधि नाशवान होती है। जो भी हम समझते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, ये जो जगत है, ये क्या होता है, ये सभी उपाधि नाशवान होती है परंतु सतत अभ्यास से इनका नष्ट होना संभव है। जब हम आत्मा के ज्ञान को जान जाएंगे तो ये जो हमारे उपाधि रूप जो ये हमारा शरीर है यह भी नष्ट होना संभव हो जाता है। मतलब कि जो हमारे कर्माशय बन रहे हैं, कर्म से आगे कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, ये नष्ट होना संभव हो जाते हैं। कब संभव होते हैं, जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है या सत्य का ज्ञान होता है, ठीक है, ओके है। चल नेक्स्ट, आज की लास्ट में ध्यान और समाधि का भेद यहाँ पर बताया गया है। जब तक कर्ण आदि पंच ज्ञानेंद्रियों और उनके शाब्दिक विषयों का किंचन भी अंश विद्यमान रहता है तब तक साधक की ध्यान अवस्था रहती है। अभी हमने पहले भी इसमें पढ़ा था, जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां होती है उनके शाब्दिक की जो विषय है, रूप रस गंध जो भी विषय है, उनके अंश विद्यमान रहते हैं तब तक साधक की ध्यान अवस्था रहती है। मतलब की वह कानों से जो सुन रहा है उसको ग्रहण कर रहा है, तो जब तक वह ग्रहण कर रहा है तब तक वह उसकी ध्यान अवस्था कुछ भी अंश विद्यमान रह जाता है। मतलब वह थोड़ा बहुत भी सुन रहा है तो वह उसकी ध्यान अवस्था है। जब पांचों इंद्रियों की वृत्तियां निशेष भाव से आत्मा में लीन हो जाती हैं, कुछ भी हम इंद्रियों से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सारी इंद्रियां निग्रह हो गई हैं, तो उसमें आत्मा में लीन हो जाता है, तब समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान और समाधि का डिफरेंस दिया गया है। जब हमारी इंद्रियों के जो हमारे विषय हैं वे अंश मात्र भी विद्यमान रहते हैं तो वे ध्यान की अवस्था है, और जब ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं, विषय इनके बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं इंद्रियों के, तो वह समाधि की अवस्था है, ठीक है। और समाधि विषय दृष्टांत यहाँ पे बताया गया है। मतलब कि यहाँ पर भी यूनिट कुछ दी गई है, जैसे पांच घंटी, दो घंटे तक हम प्राण को अवरोध कर लेंगे, मतलब कि हम श्वास को रोक लेंगे तो वह धारणा कहलाएगी। 60 घटी एक दिन चित्त को हम एकाग्र कर लेंगे तो वह हमारी ध्यान की अवस्था कहलाती है। 12 दिन तक प्राण को निरंतर संयम हम करेंगे तो वह समाधि हमारी कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन होगी समाधि की भी, ध्यान की और धारणा की भी। तो 5 घटी तक हम प्राण का अवरोध करेंगे धारणा, 60 घटी मतलब एक दिन तक हम चित्त को एकाग्र करेंगे तो वह ध्यान है, और 12 दिन तक प्राणों का निरंतर हम संयम करेंगे तो वह समाधि कहलाएगी। फिर और एक और डेफिनेशन है, जीवात्मा और परमात्मा का एक हो जाना ही समाधि है, आत्मा और मन का एक हो जाना ही समाधि है। तो ये हमारे समाधि की डेफिनेशंस होगी। फिर यहाँ पर एक और डेफिनेशन हमें उसके लिए मिलती है, युक्ता हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगी भवति दुःखः। तो ये जो हमारा श्लोक नंबर 91 में दिया गया है, जो योगी युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा युक्त स्वप्न जागरण में स्थित रहता है, उसका योग दुखों को दूर करने वाला होता है। ऐसे ही वर्णन हमें गीता में भी मिलता है 6 अध्याय में। तो मतलब कि यहाँ पर युक्त करने, सभी चीजें एक बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया। युक्त आहार विहार, जो हमारा आहार है वह भी युक्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना,
उसी तरह विहार, बहुत ज्यादा हमें घूमना भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं। इसी तरह युक्त चेष्ट, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको भी हमें युक्त रखना है, अच्छा रखना है। युक्त स्वप्न, युक्त जागरण, सोना भी टाइम पर है और उठना भी टाइम पर, ऐसी स्थिति में रहता है उसका योग दुखों को दूर करने वाला होता है। ठीक है, ओके अली स्लाइड। यस मैम, यहीं पर आपका गोरख संहिता समाप्त होता है। ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो। समझने से ज्यादा मैम याद करने का, एक्चुअली तो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ना तो पड़ेगा ही। सबसे डेंजर तो सिद्धांत पद्धति है मैम, उसको देख के चक्कर आते बहुत ज्यादा है उसमें। नहीं, चक्कर नहीं आएंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको चक्कर नहीं आएंगे। चलिए, इसके उसमें 1000-2000 लर्न करने जैसी चीजें होंगी। वो तो होगा। चलिए पहले इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलिए मुझे बताएंगे गोरख संहिता किस चीज का ग्रंथ है। हठयोग का, हठयोगिक में। कोशिश करें सबसे पहले आप मैसेज करें। ठीक है, हठयोग का ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ जी हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें कितने शतक हैं? दो शतक हैं। शतक इसको क्यों कहा गया है? कोई भी माइक ओपन करके बोले। मैम इसमें 100 मंत्र हैं तो इसलिए 100 को संस्कृत में शतक बोलते हैं, तो शतक बोला गया, इसलिए शतक बोला गया। वेरी गुड, उसमें कर रहे। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें कितने प्राण की चर्चा है? टेन प्राण, सभी का आंसर आ रहा है, साक्षी जी का, प्रियंका जी का, 10 प्राण सभी बता रहे हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट मुझे बताएंगे मुद्राओं का कितना वर्णन है, कितनी मुद्राएं बताई गई हैं? 5, चंदन जी कह रहे हैं 5, 5+। ओके सर, विश्वोत्मुख परम ज्योति का ध्यान किस अध्याय में है? विश्वोत्मुख परम ज्योति ध्यान किस अध्याय में है, किस शतक में है? तो आंसर आ रहा है 1। वेरी गुड, नेक्स्ट मुझे बताएंगे कुंडली के कितने लपेटे हैं? 8 लपेटे बताए गए हैं। वेरी गुड, षडांग योग का फल किस अध्याय में है, किस शतक में है? सेकंड, सबका आंसर सेकंड आ रहा है, सेकंड शतक में षडांग योग का फल दिया गया है। धारणा, धारणा किस शतक में दी गई है? सेकंड, ध्यान के स्थान किस अध्याय में दिए गए हैं, किस शतक में दिए गए हैं? सेकंड, सबका सेकंड आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी टाइप करेंगे षडांग योग के जितने अंग हैं उनको टाइप करें। साक्षी, इमराल जी, और माइक ओपन करके बताएं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि, तीसरा अंग कौन सा है हमारा? षडांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? प्रत्याहार, सभी का आंसर आ रहा है प्रत्याहार। अब इसमें जो मुख्य आसन है, मुख्य आसनों की संख्या बताएं। दो बताई गई है, उनके नाम भी टाइप करें।
नेहा जी का आंसर आया सिद्धासन और कमलासन, वेरी गुड। कमलासन, कमलासन की जो स्थिति है वह कैसी है, उसकी टेक्निक क्या है? पद्मासन, पद्मासन तो है, तो माइक ओपन करके बताएं। बद्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन राखी जी बता रही है, बद्ध पद्मासन की तरह इसकी स्थिति है। और दृष्टि कैसी है इसमें, कमलासन की दृष्टि नासाग्र, नासाग्र दृष्टि बताई गई। सिद्धासन में क्या दृष्टि है? भूमध्य, भूमध्य, भूमध्य। अब मुझे बताएंगे हमारे शरीर में कितने ज्ञातव्य होते हैं, हमारे शरीर में कितने ज्ञातव्य होते हैं? 29 होते हैं। कौन कौन से ज्ञातव्य हैं टाइप करें पहले, ज्ञातव्य में क्या क्या चीजें होती हैं? नेहा, नेहा जी इसका आंसर करेंगी। जी मैम, इसमें 16 चक्र, सॉरी 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश। पांच आकाश, चलिए वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताएंगे योग में सिद्धि आवश्यक चीजें क्या है, योग सिद्धि के लिए, योग सिद्धि के लिए आवश्यक चीजें क्या हैं? मनीषा झाऊ जी आप बताएं। मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए जिसे याद हो रहा है वो बताएं। प्रियंका जी, प्रियंका जी आप बताएं। मैम 9 द्वार, 1 मन और 2 नासिका छिद्र, 2 आंख, क्योंकि 9 द्वार के अंतर्गत ही आ जाता है, और 1 स्तंभ मन, मतलब 9 द्वार और 1 स्तंभ जो जिसको मन कहते हैं। एक चीज आप भूल रहे हैं, वो क्या है? पंचाधिदेवता, पंचाधिदेवता। मन को यहाँ पर क्या बोला गया है? स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ बोला गया, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अनाहत में कितने दल हैं? 12। अनाहत चक्र में 12 दल हैं। यहाँ पर कुंडली को क्या बोला गया है? कुंडली को क्या बोला गया है? पूजा गौर जी बताएं। शक्ति चालनी, शक्ति चालनी नहीं बोला गया है, वो तो मुद्रा है। साक्षी इमराल जी का आया है विश्वोत्मुख, तो यहाँ पर जो आपकी कुंडली है, कुंडली को यहाँ पर विश्वोत्मुख परम ज्योति यहाँ पर बोला गया है, वेरी गुड। अजपा गायत्री को दिन में कितनी बार करना होता है? किस 1600 बार। अब मुझे बताएंगे प्राणायाम को कितनी मात्रा से स्टार्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गोरख संहिता? नेहा जी, रिया जी का आंसर आया है 12, तो 12 से यहाँ पर बताया गया है। जो मैं रेशो बता रही हूँ आप बताएंगे ये रेशो किसका है, 36, 48 और 30, ये किस प्राणायाम का रेशो है? 36 बोला मैंने, 36, 48 और 30, उत्तम, ये उत्तम प्राणायाम का रेशियो है। नेक्स्ट मुझे बोलेंगे बताएंगे 12, 16 और 10, 12, 16 और 10, ये किसका है? अधम का। अधम का 3 गुना कौन सा प्राणायाम होता है? अधम का 3 गुना कौन सा प्राणायाम होता है? तो आंसर आया है उत्तम प्राणायाम, वेरी गुड। अब मुझे नेक्स्ट बताएंगे षडांग योग के जो फल हैं, प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या फल है? मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं, मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं। धारणा, धारणा का क्या फल है? धारणा, मन धैर्यवान बनता है। चलिए ठीक है, अब मुझे बताएंगे 12 ध्यान से क्या सिद्ध होता है,
बारह ध्यान से क्या सिद्ध होता है? समाधि। समाधि सिद्ध होती है। यहाँ पर नाद में किसकी ध्वनि सुनाई देती है? नाद में किसकी ध्वनि सुनाई देती है? घंटा। घंटा नाद की ध्वनि सुनाई देती है। धारणा के बारे में बताएंगे। धारणा में आकार कौन से आकार का है? धारणा का आकार क्या है? आवाज आ रही है मेरी? क्वेश्चन समझा नहीं, रिपीट कीजिए ना। मैंने कहा धारणा का आकार क्या है? ट्रायंगल। वेरी गुड। एक मिनट रुकिए। वो तो धारणा अलग अलग बताई है ना सर। क्या कह रहे हैं? वो अलग अलग धारणा बताई है, वो है क्या? वो सब त्रिकोण। नेक्स्ट मुझे बताएंगे ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। नेक्स्ट बताएंगे ध्यान के जो नौ स्थान हैं। कोई भी माइक ओपन करके बताएं। ध्यान के नौ स्थान गुदा, मेढ, नाभि, हृदय, विशुद्धि, घंटिका, लंबिका, लंबिका यानी जीभ, भूमध्य, भ्रूमध्य, नभोविल यानी शून्य स्थान। ओके। यहाँ पर समाधि में उपाधि को क्या बोला गया है? वर्ण मैम। और तत्व को क्या कहा गया है? आत्मा। आत्मा कहा गया। ठीक है। ध्यान और समाधि में क्या भेद है, कौन बताएगा? समाधि जो है, ध्यान जो है उसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय है, उसका कुछ न कुछ विषय किंचित मात्र रह जाता है, पर समाधि में वो जब नहीं रहता पंच ज्ञानेन्द्रिय का विषय, तो समाधि लग जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे 60 घटी तक जब हम चित्र को एकाग्र कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? ध्यान। ध्यान कहलाता है। चलिए आज के क्वेश्चन आंसर यहीं पे आपके एंड होते हैं और आपका गोरख संहिता भी समाप्त हो चुका है। प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। सभी अपना कमर कर्दन सीधा करें, लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये दोनों हैंड्स को रब करें, आंखें ढकें और आए वापस। मैम नेक्स्ट आप भी लेंगे? नेक्स्ट कुछ लेंगे आप? हाँ, अभी हठयोगी टेक्स्ट चलेंगे आपके। ओके मैम, थैंक यू।